सीतामढ़ी पुलिस की स्पेशल टीम को बुधवार की रात एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भिट्टा ओपी क्षेत्र के नवाही डायवर्सन के समीप स्थित आम के बगीचे में डाका डालने की योजना बनाते 12 सातिर डकैतों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 2.5 लाख रुपए कैश, 3 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 5 किलोग्राम चरस, 1 कुल्हाड़ी, 1 लोहा का डाई, कलाई घड़ी, रॉड आदि बरामद किया है। एसपी हरकिशोर राय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। जी बताइएगा सर। नेपाल सीमा से लगे हुए क्षेत्र में हम लोग का सोनबरसा थाना है, कनौली थाना है, पहिया बेला सुरसंड थाना क्षेत्र है, जिसमें कि पिछले लगभग 2-2.5 महीने से डकैती की कुछ घटनाएं हुई थी, जिसको लेकर के एसडीपीओ पुपरी की के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था कांड के उद्भेदन करने के लिए। जो अपराधकर्मी शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो आसूचना प्राप्त हुई थी, आसूचना के हिसाब से तथा कांडों के प्रारंभिक जो पीड़ित थे उनसे पूछताछ में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही थी, उसमें यह लग रहा था कि नेपाल के उसमें कई सारे लोग हैं जो कि शामिल हैं, जो जिनके द्वारा इस तरह का घटना किया जा रहा है। तो हम लोग उसी डायरेक्शन में कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सूचना हम लोग को प्राप्त हुई, जिसमें कि सुरसंड थाना अंतर्गत नवाही डाइवर्जन के पास में हम लोग को उन अपराधकर्मियों के पुनः इकट्ठा होकर के घटना कारित करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। यह भी पता चला कि उनके द्वारा कुछ ये चरस इत्यादि का भी कार्रवाई किया जाता है। तो इस सूचना के सत्यापन में तथा छापामारी हेतु एसडीपी के नेतृत्व में छापामारी करवाया गया। छापामारी क्रम में महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें हासिल हुई। कुल 12 व्यक्तियों को वहाँ तत्काल गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के क्रम में घटनाओं का खुलासा हुआ। इसमें पता चला कि एक व्यक्ति उसमें से जो है वो इंडियन साइड का आने वाला है, उसके द्वारा लाइनर के तौर पर कार्य किया गया था 2-3 घटनाओं में, और कुछ घटनाओं में अन्य लोगों ने लाइनर के तौर पर कार्य किया था और डकैती की घटना को कारित करवाया था। उनके